हेलो फ्रेंड्स, सो डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम की सीरीज में आज जो हम टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं उसका नाम है डायनामिक एरे। सो डायनामिक एरे क्या होता है और उसको कैसे यूज़ कर सकते हैं और कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं वो इस ट्यूटोरियल में हम देखेंगे। ये इसका फर्स्ट पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में मैं आपको सिर्फ इंट्रोडक्शन दूंगा और उसके सेकेंड और अगर थर्ड पार्ट अगर रहा तो उसमें इसका इम्प्लीमेंटेशन पार्ट होगा। जिस तरह से हमने क्यू को इम्प्लीमेंट किया था, स्टैक को इम्प्लीमेंट किया था एक नॉर्मल एरे के थ्रू, तो स्टैक क्यू को इम्प्लीमेंट हम कर सकते हैं डायनामिक एरे के थ्रू भी और लिंक लिस्ट के थ्रू भी। तो कई लोगों ने मुझे कमेंट्स में कहा कि हमें इम्प्लीमेंटेशन पार्ट चाहिए क्यू का विद द हेल्प ऑफ डायनामिक एरे। डायनामिक एरे को यूज़ करके हम क्यू को या स्टैक को कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो अगर आपको डायनामिक एरे क्या होता है ये पता चल जाएगा और उसको आप कोड करके इम्प्लीमेंट करना सीख जाते हैं तो आप उस डायनामिक एरे को कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं, चाहे आपको क्यू में इम्प्लीमेंट करना हो, चाहे स्टैक में इम्प्लीमेंट करना हो, चाहे कहीं अदर जगह पे इम्प्लीमेंट करना हो, वहाँ पे आप उस डायनामिक एरे को यूज़ करके कोई भी डेटा स्ट्रक्चर को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात आती है डायनामिक एरे होता क्या है। सो नॉर्मल जैसा एरे ही ये भी एक एरे होता है, लेकिन नॉर्मल एरे और डायनामिक एरे में ये डिफरेंस होता है कि नॉर्मल एरे का साइज़ फिक्स होता है। मतलब जब भी हम उसको क्रिएट करते हैं, डिक्लेयर करते हैं, डिफाइन करते हैं जब हमारे एरे को, तो हमें उसका साइज़ डिफाइन करना पड़ता है कि इस एरे का साइज़ क्या होगा। जैसे कि अगर सी लैंग्वेज में अगर हम लिखते हैं इंट ए और स्क्वायर ब्रैकेट में हम लिख देते हैं 5, जैसे कि इस एग्जाम्पल, जैसे कि अगर हमको अगर सी लैंग्वेज में अगर हमें इंट एक एरे बनाना है तो हम लिखते हैं इंट और एरे का नाम दे देते हैं और इसमें इसका साइज़ दे देते हैं जैसे कि 5 और सेमीकॉलन। तो यहाँ पर हम ये फिक्स साइज इसका बता देते हैं कि इस एरे का साइज़ 5 होगा। तो ये हमने डिफाइन कर दिया फिक्स साइज़ का। तो इसमें हम 5 से ज़्यादा एलिमेंट्स इंसर्ट नहीं कर सकते हैं उस टाइम पर। तो इस जैसे ही हम ये स्टेटमेंट लिखते हैं तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है कि एक एरे बना देता है जिसके कि 5 पार्टीशन होते हैं, 3, 4 और 5। तो 1, 2, 3, 4, 5 इस तरह से 5 मेमोरी ब्लॉक्स क्रिएट हो जाते हैं एरे में। अगर हम यहाँ पे 10 लिखेंगे तो 10 मेमोरी ब्लॉक्स क्रिएट हो जाएंगे। तो इस तरह से एरे, नॉर्मल एरे डिफाइन होता है। इसका फ़ायदा ये होता है एरे बनाने का कि हम इसको डायरेक्टली किसी भी इंडेक्स को एक्सेस कर सकते हैं। जैसे कि आप इसका इंडेक्सिंग कर दीजिए 0, 1, 2, 3, 4, तो हमें अगर इस लोकेशन को एक्सेस करना है तो हम डायरेक्ट ए ऑफ 4 लिख के इस मेमोरी ब्लॉक को एक्सेस कर सकते हैं। अगर ये वाला ब्लॉक एक्सेस करना है तो डायरेक्टली हम इसको एक्सेस कर सकते हैं। तो आपको पता है कि अगर किसी भी एरे में अगर हमें इंसर्शन या डिलीशन करना है तो उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कॉन्स्टेंट होती है, ऑर्डर ऑफ 1। आपको मैंने अच्छे से बताया था ये क्या कहलाता है, कांस्टेंट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है, कांस्टेंट होती है, ऑर्डर ऑफ 1। अगर आपको ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी समझ में नहीं आ रहा हो तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि मेरे प्रीवियस ट्यूटोरियल्स में मैंने टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को पढ़ाया है, आप वहाँ से पढ़ लीजिए। अगर आपको ट्यूटोरियल्स ढूंढने में प्रॉब्लम होती है तो आप यूट्यूब पे प्रतीक जैन एकेडमी सर्च करिए, वहाँ से आपको मेरे चैनल की लिस्ट मिल जाएगी। वहाँ पे पूरा प्लेलिस्ट है पूरे एल्गोरिदम का, तो वहाँ से आपको इजीली टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और अदर ट्यूटोरियल्स आपको सारे मिल जाएंगे। तो आप वहाँ से टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पढ़ लीजिए तो आपको समझ में जाएगा कि इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ 1 कैसे है। मतलब कि हम किसी भी इंडेक्स को अगर डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं इंसर्शन और डिलीशन के लिए तो ये ऑर्डर ऑफ 1 टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है और ये सबसे बेस्ट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मानी जाती है। इसलिए हमें एरे को यूज़ करना हम ज़्यादा प्रेफर करते हैं एज़ कम्पेयर टू अदर डेटा स्ट्रक्चर लाइक लिंक लिस्ट या कोई अदर डेटा स्ट्रक्चर अगर हमें करना है, क्योंकि हमें उसे ट्रैवर्स करना पड़ेगा और अगर हमें लिंक लिस्ट में अगर ट्रैवर्स करना है तो उसके कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ एन हो जाती है, जो कि बहुत ज़्यादा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मानी जाती है। तो डायनामिक एरे क्या होता है, डायनामिक एरे जो है वो लिंक लिस्ट और एरे का मिड पार्ट हम बोल सकते हैं। मतलब कि उसमें ताकत होती है लिंक लिस्ट की और वो बेनिफिट हमें प्रोवाइड करता है एरे का। कैसे, तो डायनामिक एरे क्या होता है, वो ऑटोमेटिकली ग्रो करता है। डायनामिक एरे ग्रोज ऑटोमेटिकली व्हेन यू ट्राई टू मेक एन इंसर्शन एंड देर इज नो मोर स्पेस लेफ्ट फॉर द न्यू आइटम। मतलब कि अगर हम कोई एक एरे बनाते हैं, मान लीजिए एक 5 साइज का एरे बनाया, तो हम उसमें 5 से ज़्यादा एलिमेंट्स को इंसर्ट नहीं कर सकते,
लेकिन अगर हम डायनामिक एरे अगर बनाते हैं तो अगर हमें 5 से ज़्यादा एलिमेंट को इंसर्ट करना हो तो हम कर सकते हैं, क्योंकि डायनामिक एरे क्या करता है, रन टाइम पर देखता है कि मेरे कैपेसिटी खत्म हो गई है। अगर मैं मुझे एरे को डिफाइन करा गया है 5 साइज़ का, लेकिन अगर मैं 6th इंडेक्स में इंसर्शन करना चाह रहा हूँ, 6th एलिमेंट को इंसर्ट करना चाह रहा हूँ, तो वो रन टाइम पे अपना साइज़ ग्रो कर जाएगा, मतलब कि अपने साइज़ को वो इंक्रीज कर लेगा, बढ़ा लेगा। और नॉर्मली एरे का साइज़ जो है वो डबल किया जाता है डायनामिक एरे में। वैसे आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना उसको ग्रो कराना चाह रहे हैं, ये आपके इम्प्लीमेंटेशन पर डिपेंड करता है, और इसी को ग्रोथ फैक्टर बोलते हैं। तो ग्रोथ फैक्टर से आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपका एरे जो है वो किस तरह से ग्रो करेगा, मगर नॉर्मली हम डबल ग्रोथ रेट से ही डिफाइन करते हैं। सो डबल ग्रोथ रेट क्या होता है और नॉर्मल ग्रोथ क्या होती है? जैसे कि मान लीजिए कि आपने एरे डिफाइन कर दिया 5 साइज़ का, ठीक है, इसको हम एक एग्जाम्पल लेके समझते हैं। तो जैसे कि मान लीजिए कि आपने ये एरे डिफाइन कर दिया था 5 साइज़ का, और इसमें आपने सब में नंबर्स आपने फिल कर दिए। मान लीजिए यहाँ पे आपने रख दिया 1, 2, 3, 4 और 5, आपने पूरे एलिमेंट्स फिल कर दिए। अब आपको मान लीजिए कि आपको 6th एलिमेंट इंसर्ट करना है, तो 6th एलिमेंट इंसर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको डायनामिक रन टाइम पे एक और मेमोरी ब्लॉक क्रिएट करना पड़ेगा, जैसे कि लिंक लिस्ट में होता है। लिंक लिस्ट में भी हम क्या करते हैं, एक नया मेमोरी ब्लॉक क्रिएट करते हैं। अगर आपको लिंक लिस्ट नहीं समझ में आ रहा तो कोई बात नहीं, डायनामिक एरे के बाद मैं नेक्स्ट लिंक लिस्ट ही स्टार्ट करने वाला हूँ, तो लिंक लिस्ट की पूरी सीरीज़ बनाऊंगा मैं। तो लिंक लिस्ट में भी यही होता है कि रन टाइम पे आप मेमोरी ब्लॉक क्रिएट करते हैं और उसमें आप डेटा इंसर्ट करते हैं, और एरे में क्या होता है कि पहले ही आप डिफाइन कर देते हैं। तो मान लीजिए आपने एरे बना दिया 5 साइज़ का, और यहाँ पर आपने पूरे उसके एलिमेंट्स फिल कर दिए, लेकिन आपको रिक्वायरमेंट पड़ी कि अब मुझे एक और एलिमेंट इंसर्ट करना है रन टाइम पे, तो आप क्या करेंगे कि एक और एरे का नया, एक और नया एरे क्रिएट कर देंगे जिसमें कि एक एक्स्ट्रा, एक और ब्लॉक होगा 6 साइज़ का, और वहाँ पे आप अपना डेटा इंसर्ट कर सकते हैं। तो जैसे कि मान लीजिए आपको 6 इंसर्ट करना है, तो यहाँ पर आप इस ब्लॉक में 6 इंसर्ट कर सकते हैं रन टाइम पे। इस तरह की अगर प्रॉपर्टी कोई एरे होल्ड करता है तो उसको हम बोलते हैं डायनामिक एरे। तो मान लीजिए कि आपने एक एरे क्रिएट किया स्टार्टिंग में, जिसका कि आपने साइज़ मान लीजिए 5 रखा, तो आप मान लीजिए ये 5 साइज़ का आपने एक एरे बना दिया जिसमें 5 मेमोरी ब्लॉक से 1, 2, 3, 4, 5, ओके, इसकी इंडेक्सिंग हम कर देते हैं 0, 1, 2, 3, 4, तो ये 5 साइज़ का हो गया, इसका साइज़ कितना है 5, ओके। अब इसमें एलिमेंट इंसर्ट कर देते हैं, मान लीजिए आपने इसमें एलिमेंट्स इंसर्ट किए 1, 2, 3, 4, 5, अब आपका साइज हो गया फुल। तो जैसे ही आपका साइज फुल हो जाएगा तो आप क्या करेंगे कि डायनामिक एरे क्या करेगा कि एक और नया एरे क्रिएट कर देगा, और वो इससे एक साइज ज़्यादा होगा, ज़रूरी नहीं कि एक साइज़ ज़्यादा होगा, लेकिन हम एग्जांपल ले लेते हैं नॉर्मल बिहेवियर, जिसमें कि हम एट अ टाइम एक ही ब्लॉक इंक्रीज करेंगे, मतलब कि जब भी हमारे पास कोई नया एलिमेंट आएगा तो हम उसके लिए एक एक्स्ट्रा ब्लॉक क्रिएट कर देंगे। तो अब क्या होगा कि अभी 5 साइज का एरे क्रिएट था, डायनामिक एरे में अब क्या होगा कि एक ब्लॉक और क्रिएट हो जाएगा एक्स्ट्रा, 3, 4, 5 और 6, तो इस टाइम पे इसमें कितने ब्लॉक्स क्रिएट हो गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 ब्लॉक्स क्रिएट हो गए, ये 7 ब्लॉक क्रिएट हो गए थे, इसको हटा देता हूँ मैं। तो आपके पास ये 5 ब्लॉक्स, 6 ब्लॉक्स क्रिएट हुए। अब क्या करेंगे, इसका भी इंडेक्सिंग 0, 1, 2, 3, 4, 5, उससे एक ज़्यादा एक मेमोरी ब्लॉक है। अब यहाँ का डेटा यहाँ कॉपी होता जाएगा, तो 1 को हम यहाँ कॉपी कर देंगे, 2 को यहाँ कॉपी कर देंगे, 3 को भी कॉपी कर देंगे, 4 को कॉपी कर देंगे और 5 को कॉपी कर देंगे। इस तरह से हमारे ब्लॉक्स सारे कॉपी हो गए, और लास्ट हमारे पास एक एक्स्ट्रा स्पेस बच गया जहाँ पे कि आप अपना नया एलिमेंट इंसर्ट कर सकते हैं। तो मान लीजिए आपने नया एलिमेंट इंसर्ट कर दिया और इसको बोल देंगे 6, तो अब इसका साइज हो गया 6, और इस वाले एरे को हम कर देंगे रिलीज,
तो अब ये वाला जो मेमोरी, जो ये वाला एरे था, ये रिलीज हो जाएगा, ये फ्री हो जाएगा एक तरीके से। तो हम इसको फ्री बोल देते हैं, फ्री मेमोरी ब्लॉक बोल देते हैं। तो आपका जो ये जो एरे था, जो ये मेमोरी होल्ड किया हुआ था, वह फ्री हो चुका है, इसकी मेमोरी रिलीज हो चुकी है और अब ये नया वाला एरे हो गया। तो मान लीजिए कि स्टार्टिंग में आपका जो एरे था ए नाम का, वो ये था, लेकिन जब हमारा डायनामिक एरे के थ्रू एक और ब्लॉक हमें इंसर्ट करना पड़ा, तो अब वो एरे ये ना होके ये हो गया और पुराना एरे जो है वो फ्री हो गया। तो आपको समझ में आ रहा है कि एरे कैसे क्रिएट हुआ, कि एक और नया मेमोरी ब्लॉक क्रिएट हुआ, उससे एक ज़्यादा साइज का, पुराने एरे में जो जो डेटा थे वो सारे कॉपी हुए और एक नया एलिमेंट जो आपको इंसर्ट करना था वो इसमें से ऐड हो गया। तो इस तरह से आप रन टाइम पे मेमोरी डिसाइड कर सकते हैं। मान लीजिए कि आपको एक और ब्लॉक, एक और एलिमेंट इंसर्ट करना रहा 7, तो एक और एरे बन जाएगा यहाँ पर 7 साइज का, उसमें 6 एलिमेंट्स कॉपी होंगे और नया एलिमेंट जो आएगा वो आपका 6th इंडेक्स पे आ जाएगा, टोटल 7 एलिमेंट्स हो जाएंगे उसमें। तो इस तरह से हमेशा एरे इंक्रीज करता जाएगा। तो ये स्टार्टिंग में आपने डिफाइन कर दिया 5 साइज का और हमेशा बाद बाद ग्रो करता जाएगा। तो इस तरह का जब एरे ग्रो अगर होता है तो इसको डायनामिक एरे बोलते हैं। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है, इसमें प्रॉब्लम ये है कि इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी थोड़ी सी ज़्यादा हो गई। कैसे? क्योंकि जब भी आपको इंसर्शन करना है तो आपको एक नया मेमोरी ब्लॉक क्रिएट करना पड़ेगा, ये सारा डेटा कॉपी करना पड़ेगा। अब ये सारा डेटा कॉपी करना मतलब कि ऑर्डर ऑफ एन टाइम्स हो जाता है इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, क्योंकि आपको पूरे एरे को ट्रेवर्स करना है। तो पूरे आपको एरे को ट्रेवर्स कर रहे हैं और फिर एक और इंसर्ट कर रहे हैं, तो जो इंसर्शन नॉर्मल एरे में ऑर्डर ऑफ 1 का होता था, इस केस में ऑर्डर ऑफ एन का हो जाएगा। लेकिन ऑर्डर ऑफ एन का हमेशा नहीं होगा, ऑर्डर ऑफ एन का तब होगा जब आपके पास मेमोरी ब्लॉक नहीं बचा है और नया एरे क्रिएट करना पड़ रहा है। तो अगर मान लीजिए कि हर बार हम एक ही एक ब्लॉक इंक्रीज करते जाएंगे तो हर बार इंसर्शन का टाइम ऑर्डर ऑफ एन हो जाएगा, जो कि बहुत ज़्यादा हो जाएगा। अब इस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को हम कैसे कम कर सकते हैं? तो इस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को हम कम कर सकते हैं कि जब भी एरे का साइज फुल हो जाए तो हर बार एक साइज ना क्रिएट करके डबल साइज का एरे ब्लॉक क्रिएट कर लेते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि मान लीजिए कि मैंने 6 साइज का एरे बनाया था और इस बार अब ये फुल हो चुका है। तो अब जब फुल हो चुका है तो मुझे जब अब नया मेमोरी ब्लॉक क्रिएट करना पड़ेगा डायनामिक एरे में, तो मैं उसको 6 साइज का ना करके, सॉरी 7 साइज का ना करके 12 साइज का करूंगा, मतलब प्रीवियस वाले साइज से डबल साइज का 11। तो 0 से लेके 11 इंडेक्स मतलब 12 मेमोरी ब्लॉक। तो इस बार जब नया मेमोरी ब्लॉक क्रिएट किया तो हमने डबल साइज का कर लिया। अब इससे फायदा क्या हुआ? फायदा यह हुआ कि अब आपको जब मेमोरी ब्लॉक में जब डेटा कॉपी करना है तो आप यहां से डेटा कॉपी करेंगे, 1 यहां से आपने कॉपी किया, 2 कॉपी किया, 3 कॉपी किया, 4, 5 और 6, और नया एलिमेंट आपको इंसर्ट करना है तो 7 कर दिया। तो इस 7 को इंसर्ट करने में तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आपको लगी ऑर्डर ऑफ एन। क्यों? क्योंकि आपने एक नया मेमोरी ब्लॉक बनाया, सारा डेटा आपने कॉपी किया और एक नया एलिमेंट इंसर्ट कर दिया 7। लेकिन इसके बाद नेक्स्ट टाइम जब आप इंसर्ट करेंगे इस इंडेक्स पे, 7th इंडेक्स पे, तो वो ऑर्डर ऑफ 1 में इंसर्शन हो जाएगा, क्योंकि आपके पास मेमोरी ब्लॉक ऑलरेडी अवेलेबल है। तो इस बार आप डायरेक्टली इंसर्ट कर देंगे 8, फिर से एक बार इंसर्ट करना रहा तो फिर से ऑर्डर ऑफ 1 में इंसर्शन हो जाएगा 9, उसके बाद फिर इंसर्शन करना है तो फिर ऑर्डर ऑफ 1 में इंसर्शन हो जाएगा 10, फिर से ऑर्डर ऑफ 1 में इंसर्शन हो जाएगा 11 और फिर से ऑर्डर ऑफ 1 में इंसर्शन हो जाएगा 12। और इसके बाद अगर मुझे इंसर्शन करना रहेगा तब मुझे एक नया एरे बनाना पड़ेगा, कितने साइज का? 24 साइज का। तो अब फिर से जब मुझे नया एरे बनाना पड़ेगा तो वो मुझे कितने साइज का बनाना पड़ेगा? 24 साइज का। क्यों? क्योंकि मेरे पास अब 12 एलिमेंट तक आ चुका है, अब मेरे पास साइज नहीं बचा है इस एरे में, तो अब मुझे जो 13th एलिमेंट डालना पड़ेगा, तो उसके लिए मेरे पास दो तरीके हैं। या तो मैं सिर्फ एक ही ब्लॉक इंक्रीज करके एक और बड़ा एरे बना दूं, लेकिन उस केस में क्या होगा, मुझे ऑर्डर ऑफ एन की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तो लगेगी, लेकिन नेक्स्ट टाइम फिर से मुझे ऑर्डर ऑफ एन की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लगेगी। लेकिन अगर मैं डबल साइज का एरे बना दूंगा 24 साइज का, तो मुझे सिर्फ एक बार तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लगेगी ऑर्डर ऑफ एन, क्योंकि मुझे नया डायनामिक एरे बनाना है, मुझे अपने एरे को ग्रो करना है।
लेकिन उसके बाद जब तक मेरे पास उस एरे में जगह है, ऑर्डर ऑफ वन में मैं इंसर्शन कर सकता हूँ डायरेक्टली कॉन्स्टेंट टाइम में, तो ये मेरा बेनिफिट हो जाएगा। लेकिन एक प्रॉब्लम भी है इसमें भी, क्या कि अगर मान लीजिए कि आपका साइज, आपने मान लीजिए 100 साइज का एरे बनाया और आपको पता है कि इसमें 125 से ज़्यादा एलिमेंट्स आए ही नहीं वाले हैं, तो आप 100 के बाद जब 200 साइज का एरे बना दोगे तो उसमें 75 जो मेमोरी ब्लॉक्स थे वो वेस्ट जाएंगे, तो वो भी प्रॉब्लम है। तो इसलिए ग्रोथ फैक्टर बहुत डिफरेंट डिपेंड करता है। ग्रोथ फैक्टर क्या होता है? ग्रोथ फैक्टर एक इस तरह का फैक्टर होता है जो कि डिसाइड करता है कि आपको एरे को कितने परसेंटेज में ग्रो करना है। परसेंटेज की बात कर रहा हूं मैं, मतलब कि आपको ट्वाइस अगर ग्रो करना है, इट मींस आपको पूरा 100% ग्रो करना है, तो 100% मतलब कि ऑलमोस्ट डबल करना है। तो जैसे कि अगर आपने 5 मेमोरी ब्लॉक बनाए थे, तो अगर आपको फिर से 100% ग्रो करना है, मतलब कि आपने क्या करेंगे, 10 साइज का मेमोरी ब्लॉक बनाएंगे। लेकिन अगर आप बोलेंगे कि नहीं मुझे तो 50% ही ग्रो करना है, मतलब कि आप इसमें सिर्फ 2 या 3 एलिमेंट्स और इंक्रीज कर देंगे। अगर इस 12 होगा तो 50% इंक्रीज, मतलब कि आप सिर्फ 6 मेमोरी ब्लॉक और इंक्रीज कर देंगे। तो करंट साइज मान लीजिए एरे को 100% मानते हैं, तो उसका कितना परसेंटेज आपको और ग्रो करना है, तो परसेंटेज के टर्म में आप डिफाइन कर सकते हैं ग्रोथ फैक्टर। तो ग्रोथ फैक्टर का आप खुद से फॉर्मूला बना सकते हैं। जावा में इनबिल्ट ये सब होता है, इसको एरे लिस्ट बोलते हैं। एरे लिस्ट में ये इनबिल्ट है सारा का सारा मेथड्स, लेकिन C++ में आपको इंप्लीमेंट करना पड़ सकता है। तो जावा के अगर एरे लिस्ट की बात करूं, या फिर C++ में अगर आपको इंप्लीमेंट करना है तो करना पड़ेगा, लेकिन एरे लिस्ट में ये ग्रोथ फैक्टर डिफाइंड होता है, परसेंटेज डिफाइन होता है, उसके अकॉर्डिंग वो ग्रो करता है। आप उसमें डिफाइन कर सकते हैं कि आपको कितने परसेंटेज से ग्रो करना है। अगर आपने 0.75 दे दिया है तो 75% से ग्रो करेगा, अगर आपने 0.5 दे दिया है उसका ग्रोथ फैक्टर तो 50% के रेट से ग्रो करेगा। तो इसके अकॉर्डिंग ग्रोथ कर सकते हैं, बट कंसेप्ट सेम है, फ़ायदा तो है ही। फ़ायदा सबसे अच्छा ये है कि आप कांस्टेंट टाइम में एक्सेस कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी मेमोरी लोकेशन को एक्सेस करना है तो वो हमेशा ऑर्डर ऑफ वन में ही होगा, जो कि लिंक लिस्ट में पॉसिबल नहीं है। लिंक लिस्ट में अगर आपको कोई फिफ्थ लोकेशन को एक्सेस करना है तो आपको 0 से लेके 5th मेमोरी लोकेशन तक ट्रेवर्स करना पड़ेगा। 0 के बाद 1, 1 के बाद 2, 4, 3, 4, 5, तब जाके आप 5th लोकेशन को एक्सेस कर सकते हैं लिंक लिस्ट में। लेकिन एरे में आप डायरेक्टली उस मेमोरी ब्लॉक को एक्सेस कर सकते हैं इंडेक्स को शो करके कि आपको 5th मेमोरी ब्लॉक को एक्सेस करना है, तो डायरेक्ट ए ऑफ 4 लिख देंगे तो आप डायरेक्टली उस 4th मेमोरी लोकेशन को एक्सेस कर सकते हैं कॉन्स्टेंट टाइम में, मतलब कि ऑर्डर ऑफ 1 टाइम में। तो ये सबसे बड़ा बेनिफिट है एरे को यूज़ करने का। और डायनेमिक एरे में वो भी बेनिफिट मिल जाता है आपको कि आप डायनेमिकली रन टाइम पे अपना एरे का साइज इंक्रीज कर सकते हैं। सो आई होप आपको डायनेमिक एरे क्या होता है, उसका कंसेप्ट क्या होता है, एकदम अच्छे से क्लियर हुआ होगा। इसको कोड के फॉर्म में हम नेक्स्ट ट्यूटोरियल में देखेंगे कि इसको किस तरह से इंप्लीमेंट किया जा सकता है कोड के फॉर्म में। अगर आपको कोई डाउट रहा हो, कोई क्वेरी हो, तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल का बटन दबा दीजिए, जिससे कि आपको नेक्स्ट वीडियो जब भी मैं डालूंगा अपडेट आपके पास तुरंत आ जाएगा, उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। और प्लीज़ अपने फेसबुक वॉल पे शेयर करिए ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक पहुँच सके। और अगर आपको मेरे यूट्यूब चैनल को ढूंढने में कोई प्रॉब्लम होती है तो आप यूट्यूब पे प्रतीक जैन एकेडमी सर्च कर लीजिए, वहाँ से आपको मेरे यूट्यूब की लिंक मिल जाएगी और वहाँ पे आपको पूरा जितने भी मैंने वीडियोज़ बनाए हैं उसकी सारे प्लेलिस्ट मिल जाएगी। सो थैंक यू वेरी मच। आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिए कि डायनेमिक एरे का क्या बेनिफिट है। थैंक यू वेरी मच।